अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर गुलजार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल रिफ्लेक्ट एंड शाइन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली, हम इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक सर्टन डायग्राम है जिसमें एक पॉइंट ए है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट बी के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे इस फील्ड के अंदर जो कि बी से ए की तरफ उसकी डायरेक्शन है, इस फील्ड के अगर हम रखते हैं कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू, तो होगा क्या कि उसके ऊपर फोर्स लगेगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम चाहेंगे कि हम इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट चार्ज को यहां पे रखते हैं तो ये मूव कर सकेगा इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स देखें तो होगा क्या कि इसको जब हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, मूव करवाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। दोबारा से इस बात को देख लें कि जब हमने पॉइंट चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया इस फील्ड के अंदर, पॉइंट चार्ज अगर हम इस फील्ड के अंदर, तो फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी फ्रॉम बी टू ए, तो इसके ऊपर हमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम चाह रहे हैं कि हम इसी चार्ज को मूव करवाएं इस तरह से, यानी कि अगेंस्ट द फील्ड, तो जब अगेंस्ट द फील्ड इसको मूव करवाया जाएगा तो यू आर सपोज टू डू सम वर्क, या हम ये कह सकते हैं कि फिर हमें इस चार्ज को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। तो ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, ये जो वर्क डन किया जाएगा इस चार्ज के ऊपर टू मूव इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन सिंपली क्या बनेगी, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from a point against the electric field without accelerating, that is called potential difference. अब थोड़ा सा इस concept को detail में discuss करते हैं। हम आमतौर पर बात करते हैं potential energy का concept हम discuss करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि potential energy किसी object की होती है जब उसके पास कोई position हो, या अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम वहां पे कहते हैं कि उसकी जो पोजीशन है, जो हाइट है, उसकी वजह से उसके पास एनर्जी है। तो हमारे पास डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस कंसेप्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास ये एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड द बॉडी विल पोजेसेस different amount of potential energy depending on the position in field. Okay? The different position के ऊपर different potential energy होगी जब कोई object जो है वो पड़ा हुआ होगा potential energy gravitational field के अंदर। Similarly, अगर कोई charge body, कोई object जो है ये electric field के अंदर मौजूद है, तो उसके पास जब energy होगी तो वो gravitational नहीं होगी बल्कि वो होगी electric potential energy. अब हम बात कर रहे हैं कि वो डिपेंड कर रही है एनर्जी की जो अमाउंट है, डिपेंड कर रही है ऑन द पोजीशन इन फील्ड। अब ये जो पॉइंट्स हैं, हेंस द पॉइंट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड आर सेड टू बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिमिलरली व्हेन अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट हैज पोटेंशियल एनर्जी and the points in the field are said to have electric potential. तो इसी बात को हम यहाँ पे बात करें तो ये जो एनर्जी है इस पॉइंट B के ऊपर, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू बी के साथ, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यू डिनोट करते हैं यू ए के साथ, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट B एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A. अब हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम मूव करवाना चाह रहे हैं इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, हम इसे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना चाह रहे हैं। जब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना चाहेंगे तो मैंने आपको कल बताया कि हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन इक्विवेलेंट होगा द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं फ्रॉम चेंज जो है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज, हम हमेशा चेंज को लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो मैंने आपको डिफाइन इसकी बात बताई यहाँ पे कि हम उसको जो वर्क डन प्रोवाइड करेंगे चार्ज को टू मूव अगेंस्ट द फील्ड, तो वो वर्क डन जो है चार्ज के ऊपर जो किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे बात आएगी तो हम इसको सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं। सो पोटेंशियल को हम बेटा जी डिवाइड कर डिनोट करते हैं डेल्टा वी के साथ, तो हम इसे लिखेंगे सो वर्क डन ऑन द चार्ज, जो चार्ज हमने यहाँ पे लिया था, तो इसके अकॉर्डिंग ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू, या हम इसे लिख सकते हैं एक सिंपल से इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू। तो अब हम इसके यूनिट की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका जो यूनिट बनेगा हमारे पास यूनिट, सो वो आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा डेल्टा वी, हम इसे आमतौर पर लिखते होते हैं वोल्ट, जो पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट है, तो ये आपके पास आ जाएगा एनर्जी का यूनिट है जूल डिवाइडेड बाय कूलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा जूल पर कूलम। सो वन वोल्ट जो है हमारे पास वन वोल्ट दैट विल बी इक्वल टू वन जूल पर कूलम। अब ये जो गोल है ये यूनिट है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या आमतौर पर जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं वो प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखना चाहें पोटेंशियल डिफरेंस की, जनरली इसको डिनोट किया जाता है जब राइटिंग के लिए अल्फाबेट्स की फॉर्म में, तो हम पी डी लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या हम इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं, तो ये इसके नाम है। तो हम कह सकते हैं द वर्क डन on a unit positive charge या point charge कह रहे हैं, ठीक है, on a point charge when charge is moving against electric field without accelerating, ठीक है, without accelerating का मतलब ये है कि वो जो यहाँ पे equilibrium develop है between these two points उसको change ना करे, उसको डिस्टर्ब ना करें, तो ये हमारे पास बनेंगे इसकी डेफिनेशन। अगर हम इसको और प्रिसाइज करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद कीपिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम को चेंज किए बगैर।
अब आ जाते हैं दूसरी बात, जो आमतौर पे अगर हम इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से हम इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब हम इस पॉइंट को इन्फिनिटी कंसिडर कर लें, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के ऊपर जो इस केस में वैल्यू बनेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं होगी, वो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल कीपिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आज का लेक्चर इतना ही था, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।